नमस्कार दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू करी है क्रोनोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसी कड़ी का हम पार्ट 6 लाए हैं। बाकी जो हमारी प्रीवियस स्लाइड्स है, हमने इसमें 5 पार्ट्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये जो है हमारा पार्ट 6 है। तो कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं, ये नगर निगम शिमला, और जो सेकेंड जो है वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, 1978 में जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, वो इस्टेब्लिश की गई थी 1978 में, और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पालमपुर में सिचुएटेड है। और अगर बात करें जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है पपरोला में, जो कांगड़ा के पपरोला में जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वो भी 1978 मार्च 3 को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। और अगर बात करें शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो शिमला एमसी है, वो भी फाउंड की गई थी 1978 में। अब जो है वो दो नगर निगम है, शिमला और धर्मशाला। जो सोलन है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, वो भी इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में। आगे कुछ पिक्चर्स देखते हैं, तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर्स को तो आप सभी जानते हैं, आईजीएमसी शिमला। ये एक और फोटो है, और ये जो है आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये आपकी जो आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, नॉनी यूनिवर्सिटी है, ये उसकी फोटो है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, जो 1981 में जो हमारे प्रथम जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनका जो है वो देहांत हुआ था 1981 में। और 1981 में ही आपने जो एक फोटो देखी थी, वो फोटो पीटर हॉफ की थी। तो जो पीटर हॉफ है, वो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो पीटर हॉफ है वो फॉर्मर रेजिडेंस था, जो इंडिया के वॉइस रॉय थे, उनका फॉर्मर रेजिडेंस कौन सा था? पीटर हॉफ। और ये जो पीटर हॉफ है, ये पंजाब का हाईकोर्ट भी रह चुका है। और इसमें जो है वो आग लगी थी कब? 1981 में। और अगर बात करें 1983 की, जो ऑफिस लोकायुक्ता का ऑफिस जो है वो हिमाचल प्रदेश में फाउंड किया गया था 1983 में, और जो पहले लोकायुक्ता थे वो थे टीवीआर टाटाचारी, जो पहले लोकायुक्ता थे। कौन? टीवीआर टाटाचारी, 1983। और अगर बात करें 1985 की, तो जो आपकी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, जो डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिसको नॉनी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो 1985 में इस्टेब्लिश की गई। और जो आपका स्नोडन हॉस्पिटल है, जो जिसे आप आईजीएमसी के नाम से जानते हैं, तो 1985 में ही जो आपका स्नोडन हॉस्पिटल है, उसका नाम जो है रीनेम्ड, उसका नाम क्या रख दिया गया था? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। और कुछ और फोटोज है आपके लिए, ये आप देख सकते हैं, रिवर राफ्टिंग, और ये जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़ी हस्ती है, ना केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जो ब्रिज है, ये जो रेलवे ट्रैक है, हम इस ट्रैक के बारे में भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं, तो जो 1986 में जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वो कब बना था? 1986 में। और किसकी अध्यक्षता में वो बना था? जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे, किसकी चेयरमैनशिप में बना था? ये जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। और अगर बात करें 1989 की, तो जो आपने फोटो देखी थी अभी रिवर राफ्टिंग की, वो भी शुरू करी गई थी 1989 में। और एक प्रोग्राम था दोस्तों 1990 में जो है, जिसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1990 में, वो था अंत्योदय प्रोग्राम, जो हिमाचल में अंत्योदय प्रोग्राम टू हेल्प द पोरेस्ट ऑफ द पुअर, ये लॉन्च हुआ था 1990 में, 15 अगस्त 1990 में। और जो आपने एक जो रेलवे लाइन देखी, वो
जो 14 किलोमीटर लंबी नंगल ऊना ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन, नंगल ऊना ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन ये इनॉग्रेट की गई, ये की गई थी 11 जनवरी 1991 में उस समय के रेलवे मिनिस्टर जो थे ज्ञानेश्वर मिश्रा, इनके द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में मेनली 3 रेलवे लाइन्स है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो बाकी 2 है वो हम प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नंगल ऊना ब्रॉड गॉज है वो तीसरी है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि वो जो पहली, बाकी जो, या तीनों के नाम आप लिख सकते हैं कि जो तीनों रेलवे लाइन है वो कौन कौन सी है। और अगर बात करें, जो आपने एक महिला की फोटो देखी थी, वो जो महिला थे वो है श्रीमती लीला सेठ। ये जो श्रीमती लीला सेठ है ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, ना केवल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बल्कि पूरे भारत में, इंडिया की जो है ये पहली महिला थे जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो इनका नाम है श्रीमती लीला सेठ, और आपने इनकी फोटो भी देखी है पिछली स्लाइड में। तो अगर हम आगे बात करें, तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये शांता कुमार जी की फोटो है, और जानते हैं ये महिला कौन है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करें 1992 में, तो 1992 में जो पहली बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी हिमाचल प्रदेश में, उसको किसने हेड किया था? श्री शांता कुमार ने, जो ये शांता कुमार जी है इन्होंने हेड किया था, और ये पहले नॉन कांग्रेसी सीएम भी है। और इनकी जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो भंग हो गई थी, वो डिसॉल्व हो गई थी आर्टिकल 356, जो राष्ट्रपति शासन है वो जब लागू हुआ था, आर्टिकल 356 के तहत। तो दोस्तों ये दूसरी बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमने, जो हमारा पार्ट 5 है उसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो यही था कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल कब लगा। आप देख सकते हैं अब जो है ये दूसरी बार लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहली बार जो है वो कब लगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जो आपने दूसरी फोटो देखी वो फोटो थी डिकी डोलमा जी की। ये जो डिकी डोलमा है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करती है, और ये यंगेस्ट गर्ल है दुनिया की जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है दोस्तों वो 8848। और अगर हम अगली बात करें, तो जो पहला जो द फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 23 अप्रैल 1994 को। अगर हम अगली स्लाइड में बात करें, तो आप ये देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जो उनकी वेबसाइट का जो एक इंटरफेस है वो देख सकते हैं। दूसरी आप एक और जो व्यक्ति है जो हिमाचल से सिचुएटेड है, और इन्हें तो कौन नहीं जानता होगा, ये नाम तो शायद ना केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रोमिनेंट नेम है। और ये भी जो है आप देख सकते हैं हिमाचल के वीर जवान। तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जिसको आप हमीरपुर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1998 में। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसके पहले चेयरमैन थे केसी मल्होत्रा। तो जो केसी मल्होत्रा जी है इनकी अध्यक्षता में जो है ये हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको HPSSC या हमीरपुर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपने ये फोटो देखी थी, जो सेकंड नंबर, जो आपने पिछली स्लाइड्स में एक फोटो देखी थी, वो फोटो थी एक क्रिकेटर की जिनका नाम है राजीव नायर। ये जो राजीव नायर है इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बाय स्टेइंग एट बैटिंग क्रीज, सबसे ज्यादा देर क्रीज पर टिकने का। तो कितने देर का? 1,017 मिनट तक जो है इन्होंने बैटिंग करी थी। और अगर हम अगली बात करें, तो जो आपने नीचे फोटो दो फोटोज देखी थी जो आपने वीर जवान की, तो उन दो वीरों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर जाने, तो 15 अगस्त को जो है आपका 1999 की बात कर रहे हैं, तो
ऑन 15th ऑफ अगस्त परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, वो अवार्ड किया गया था हिमाचल के दो जवानों को। तो सबसे पहले बात करें तो जो कैप्टन विक्रम बत्रा, जो आपने आपने तो आप जानते ही होंगे उस नाम के बारे, इस नाम के बारे में कौन नहीं जानता है इस नाम को। तो मरणोपरांत जो है इनको ये परमवीर चक्र मिला था। और जो दूसरा नाम है वो है राइफलमैन संजय कुमार। जो राइफलमैन संजय कुमार है इनको भी 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये दोनों जो है इन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी अब जो आपका कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कारगिल का युद्ध हुआ था। और जो ये कारगिल का युद्ध है इसका जो कोड नेम था, इसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। तो इसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम अगली स्लाइड्स में बात करें तो ये कुछ फोटोज है जो प्रोजेक्ट है रोहतांग टनल का और लेह मनाली रोहतांग टनल। अगर हम आगे बात करें तो 2002 में 26 मई 2002 में जो प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था जो ये 8.9 किलोमीटर रोहतांग टनल है इसका। और रोहतांग टनल के बारे में अगर हम बताएं तो ये एशिया की हाईएस्ट, एशिया की सबसे हाइट पर और इंडिया की जो है सबसे लंबी ट्रैफिक टनल टनल है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि इस टनल, ये जो टनल है रोहतांग टनल है, इस टनल का नाम जो है अब क्या है। और ये देख सकते हैं आप फोटो, ये फोटो जो है इसी रोहतांग टनल की है। तो धन्यवाद दोस्तों, हर बार आपको एक कोट के साथ छोड़ते हैं मगर इस बार जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है हिमाचल प्रदेश का, लेट कैप्टन विक्रम बत्रा का। तो उनकी कुछ लाइंस है, तो उन्होंने कहा था जब वो कारगिल के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपटा चला आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा।